गिरफ्तारी दी गई। देखियो वहाँ पे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है तो उन्होंने किसानों को कुचल कर हत्या की है, जितना संहार किया है किसानों के साथ, तो उनसे पीड़ित मृतक किसानों के परिजनों से मिलने हमारी राष्ट्रीय नेता प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी गई, तो पुलिस ने वहाँ पर जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन 3 दिनों से लगातार उनको नज़रबंदी की है। आखिरकार ये बताया योगी सरकार की पुलिस किस अपराध में प्रियंका जी को 3 दिन से लगातार गिरफ्तार किए हैं। हम मांग करते हैं जब तक प्रियंका गांधी जी की तो रिहा नहीं किया जाता तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए, हमें रिहा ना किया जाए। क्या नाम आपका? दीपक चक्रवर्ती, एडवोकेट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लखीमपुर खीरी में जो अत्याचार हुआ किसानों के ऊपर, मंत्री महोदय के पुत्र ने उन पर गाड़ियां चढ़ा दी, उसको लेके हमारी बहन जी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही थी, जिनको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। हमें ये बताया जाए कि कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं जा सकता, कोई भी नेता। आप गिरफ्तारी करके उनको 3 दिन से नज़र कैद किए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। वो उस मांग को लेके हम आज प्रशासन के पास आए थे कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो हमें भी गिरफ्तारी किया जाए, जब तक हमारी बहन प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा जाता जब तक हमको भी जेल भेज के गिरफ्तार करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार पांडे।